दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने केवल 156 रन बनाकर श्रीलंका को वर्ल्ड कप का ये मुकाबला जीतने के लिए 157 रनों का टारगेट दिया था, और इसके बाद श्रीलंका की टीम ने इस टारगेट को इतना मुश्किल बना दिया कि फिर हो गया इस मैच में बड़ा उलट। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का 25वां मैच बेंगलुरु के मैदान पर खेला जा चुका है। ये बड़ा मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों जो टीम ये मुकाबला हार जाती वो वर्ल्ड कप की रेस से लगभग बाहर हो जाती। जहां इन दोनों ही टीमों के केवल दो दो पॉइंट है और दोनों ही टीमों ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही टीमें अपना मुकाबला जीतना चाहती थी, और जब इस मैच में टॉस हुआ तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, और दोस्तों उनका ये फैसला शुरुआत में तो अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि इस मैच में डेविड मिलर और जॉनी बेयरस्टो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, और 6 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 45 रन पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद जब इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे तो फिर इंग्लैंड की पूरी टीम धराशायी होकर चले गई, और इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरह अपने आप को खोखला कर दिया, क्योंकि इसके बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को ज़्यादा रन लेने का मौका ही नहीं दिया, और श्रीलंका के गेंदबाजों ने पूरी तरह इंग्लैंड की टीम को कुचल के रख दिया। जहां इससे पहले 45 रन के स्कोर पर पहला झटका मैथ्यूस ने देखकर डेविड मिलर ने आउट करा, और वो 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद जय रूट 1 रन भागने के चक्कर में 3 रन बनाकर नॉट आउट हो गए थे। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो 30 रन बना पाए थे। जहां इस मैच में बेन स्टोक केवल अकेले खड़े रहे, लेकिन एक तरफ एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। जहां इंग्लैंड की कप्तान जस बटलर केवल 8 रन बना पाए, तो लिविंगस्टोन ने केवल 1 रन बनाया, तो मोइन अली ने 15 रन बना पाए थे, और आखिरी में डेविड मिलर ने 14 रन बनाए, और इसके बाद बेन स्टोक्स भी केवल 43 रन की पारी खेलकर आउट हो गए, और इसी तरह इंग्लैंड ने केवल 156 रन बना पाए, और इंग्लैंड की टीम केवल 34 ओवर ही खेल पाए। जहां इस मैच में श्रीलंका की तरफ से नेहरू कुमार 3 विकेट हाथ लगी, तो रंजीता और मैथ्यूस ने 2-2 विकेट चटकाए थे। अब श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 157 रन बनाने थे, लेकिन जब श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर उनकी शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रही। लेकिन इस मैच में डेविड मिलर का कहर देखने को मिला, क्योंकि डेविड मिलर ने एक बात करके कुशल परेरा और मेंडिस को आउट कर दिया था, और श्रीलंका के 2 विकेट 23 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद निशंकार समय विक्रमा ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को इस मैच से लगभग बाहर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से शानदार बैटिंग करते हुए पूरे 137 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मैच में अपना अपना अर्धशतक जड़ा, और इस मैच को श्रीलंका की टीम 26 ओवर में